विषय है कुदरत के मेहमान। कितना सुंदर विषय भाई और बहनों, अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। अतिथि कभी भी किसी समय घर में आ जाता है, अतिथि का स्वागत करो, अतिथि को खान पान की उसकी सुख सुविधा जितने समय तक वो रहता है हमारे घर में उसकी आवा भगत करो, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ताकि कि वक्त थोड़े समय के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए आता है, एक दिन के लिए आएगा, दो दिन के लिए आएगा, तो वो अच्छी फीलिंग्स लेकर के जाना चाहिए कि इनके घर में कितना अच्छा घर है, सुख है, शांति है, लोगों को सम्मान देते हैं। और उसके साथ साथ में जो है आप देखिए बाहर के जो टूरिस्ट लोग आते हैं हमारे देश में क्यों आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि इंडिया इज ए स्पिरिचुअल कंट्री, इंडिया हैज गॉट ग्रेट हेरिटेज, इंडिया इज ए वेल नोन धर्म गुरु कंट्री विच हैज गिवन स्पिरिचुअलिटी विद सॉलिड एयर और सो मैनी थिंग्स एंड द वैल्यूज, गुड वैल्यूज गिवन बाय द कंट्री, उसको देखने के लिए आते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए आते हैं। और वो यहाँ आकर के कहते हैं कि ये भारत है भगवान भरोसे चलता है, ये इस दृष्टिकोण से ले हो तो बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि भारत भगवान के भरोसे के चलने का अर्थ क्या है कि 130 करोड़ लोगों की आस्था के अंदर भगवान समाया होता है, और जिस आस्था में भगवान हो, जिस चिंतन में भगवान हो, और जहाँ भगवान का जो हमारे हम श्रद्धा के रूप में रखें तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा होगा, क्योंकि उसकी शक्ति मिलती है, वह एक आइडियल है और वह एक हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो हम बात कर रहे थे अतिथि की, कि हम सभी भी कुदरत के अतिथि है। कैसे कुदरत की अतिथि, कुदरत किसे कहते हैं, कुदरत को एनवायरनमेंट कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, वह सारी ये पृथ्वी, ये सारी वसुधा, वहाँ पर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, वो उत्पत्ति स्थान है, दे आर दी बर्थ प्लेसेस। लेकिन ऐसे चेतनामय जीव, जो जीव जंतु है, जो प्राणी हैं, वो निवास करते हैं, उनकी संख्या तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी प्राणियों को अपना जीवन यापन अपने कर्मों के अनुरूप जो है सुख दुख को भुगतना और फिर जो है एक अभिनय की तरह वापस चले जाना, फिर जन्म लेना। तो ये सभी लोग जो है, समस्त प्राणी कुदरत के मेहमान हैं। He is the guest of the nature. I am the guest of the nature, you are the guest of nature, and every living creature is the guest of the nature, because he is not immortal. He plays his roles in this nature for a particular time. According to Ayushya Karma, whenever he takes birth, his reservation is with him and his returning time, going time is with him. That is called Ayushya Karma. That is called the life span. And he vanishes when the life span finishes. So, हम क्या कहना चाहते हैं? कोई यह स्थाई नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ टेम्परेरी है और वह कुदरत का मेहमान बन के आता है, गेस्ट ऑफ द नेचर बन के आता है। अब देखिए, हम किसी के घर में गेस्ट बन करके जाते हैं, हम भी बड़ी तमीज के साथ रहते हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं करते हैं जिससे हमारा इम्प्रेशन खराब हो, और जिसके हम गेस्ट बन के जाते हैं उनको कष्ट हो, उनको तकलीफ हो, उनका अनादर हो, हमारे क्रोध के कारण, हमारे बुरी प्रस्तुति कारण, हमारे गलत बोलने वाणी का दुरुपयोग करने के कारण, मन वचन काया का दुरुपयोग करने के कारण जो है हम जिस घर में रहते हैं, घर के परिवार के सदस्यों को दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, मेहमान इस बात का ध्यान रखता है। तो जब आप गेस्ट के, जब नेचर के गेस्ट हो, कुदरत के मेहमान हो, हम दूसरे प्राणियों की मैं क्या बात करूं, वो तो बेचारे वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो ही बात को भली भांति जानते हैं कि हम कुदरत के मेहमान हैं, कुदरत को खराब मत करो, कुदरत का दुरुपयोग मत करो, कुदरत के बनाए हुए कानून को मत तोड़ो,
कुदरत के डिसिप्लिन को मत तोड़ो, वो पूरा पालन करता है। एक ही व्यक्ति है जो कुदरत का मेहमान अपने आप को कहता है, पर नेचर के रूल्स को सबसे ज्यादा वो तोड़ता है, वह व्यक्ति है मनुष्य। वह ह्यूमन बीइंग है, वो मनुष्य गति का प्राणी है, क्योंकि उसके बात में तरह संगत बुद्धि है। और बेचारे अन्य प्राणियों के बात में वो विकसित बुद्धि नहीं है, वो दुरुपयोग करने की कला नहीं जानते। और मनुष्य जो है बड़ा ही चालाक है, वह दुरुपयोग करने की कला जानता है और दुरुपयोग कर लेता है।